इस वक्त हम जो है शुक्ला घन के नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि श्री गोल्डी जी के जो है पास बैठे हुए हैं, जो इस क्षेत्र में लगातार अपने प्रयासों से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग को संभालने का कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों को कि हर संभव भाव अपनी मात्रा से मदद भी कर रहे हैं। तो आइए हम इस वक्त बात करते हैं इस क्षेत्र के प्रतिनिधि चेयरमैन से, जो कि इस वैश्विक महामारी में किस तरह से जूझ रहे हैं और किस तरह से अपने क्षेत्र को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं श्री गोल्डी जी। सर, आपने अभी तक की जो है अपने क्षेत्र में किस तरह से वैश्विक महामारी से लड़ने का कार्य किया और अपने क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ दी? जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि इस समय पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, हमारा देश भी उससे छूटता नहीं रहा है। तो हमारे नगर में हम लोगों ने जैसे अपने इसको बचाव के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था, चूना छिड़काव की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था बराबर प्रॉपर चल रही हुई है। हर गली हर घर में हम लोग पहुँचाने का प्रयास किया और पहुँचे। उसके अलावा जो भी ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को अपने यहाँ कम्युनिटी किचन चालू था, उनके यहाँ भोजन पहुँचाया गया। जो और भी लोग थे उनको राशन दिया गया और कई संस्थाओं ने भी राशन और खाने की व्यवस्था कराई, वो भी लोग पहुँचाते रहे। नगर पालिका द्वारा भी जो भी हो सका किया गया। और इस समय आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्य नहीं चल पा रहा है, फिर भी अपने इधर जो दो वर्ष का हमारा ढाई वर्ष का नगर पालिका कार्यकाल है, इसमें भगवत की कृपा से काफ़ी कुछ काम हुए। कई रोडें बनी हैं नई, कई खंभे लगे, कई लाइटें लगी, कई जो है सबमर्सिबल लगे, इंडिया मार्कर लगे, कई ऐसे काम होते रहे जो आप लोग खुद भी देख रहे होंगे। रोड से निकलते होंगे तो डिवाइडर पर रेलिंग का काम हो, लाइट का काम हो, सोलर काम हो, सब चल ही रहे हैं। मेन हम लोग को इस समय तो केवल एक ही काम करना है कि इस कोरोना जैसी महामारी को भगाना है, इस देश को बचाना है, जिससे सारी व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो रही हैं। कि हमारे प्रतिनिधि महोदय किस तरह से जो है इस वैश्विक महामारी में जूझ रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकासों को भी देख रहे हैं और अपने क्षेत्र की जनता को भी देख रहे हैं। ये नहीं कि ना उन्होंने जो है सिर्फ अपने आप को देखा हो और किसी तरह का काम में ढीलावाली की हो। क्या हम ये जानना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि महोदय से कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह की जो है मदद मिली और किस तरह का सहयोग मिला? सबसे पूरा सहयोग मिल रहा है और हमारे डीएम साहब ने भी जो है यहाँ पर सैनिटाइजर की मशीनें भेजी थी, उनकी तरफ से भी आई थी, फायर ब्रिगेड वाली मशीनें भी आई थी। जैसे कि हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं पंकज जी, वो तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हर गरीब हर जरूरतमंद के पास बराबर पहुंचते रहे, बराबर राशन वो बांट रहे थे, आज ही बांट रहे हैं। और बराबर उन्होंने हर जगह जा करके, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो वहाँ भी उन्होंने जाने का पूरा काम किया, जगह जगह सैनिटाइजर काम हो भी उन्होंने कराया। इसी तरह हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनके क्षेत्र भी बराबर काम हो रहा है। ये हमारे यहाँ के योगी जी मोदी जी की सबकी सोच है कि कोई भी गरीब असहाय भूखा ना रहे, किसी के यहाँ कोई कृपा की कोई दिक्कत ना रहे। इस तरीके से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जिससे जो भी सामर्थ्य होगी सब कर सकें। और माननीय मोदी जी का भी यही सबसे आग्रह था कि जो भी सक्षम लोग हों जितना जिसका सहयोग कर सकते इस समय करें। तो अब हम आपको बताते चलें कि इस तरह के जो है इनके योगदान रहे हैं, इन्होंने किस तरह से जो है नगर का विकास को संभाला और नगर में हर तरह की जो है ज़रूरतों को पूरा किया। ये अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए जो इस शहर के ना होते प्रवासियों ने आकर इस जगह पर जो है इस तरह की थोड़ी सी परेशानियाँ पैदा हुई, उन परेशानियों से आपने किस तरह से लड़ा और क्या कुछ कार्रवाइयाँ की? जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्ला गंज हमारा बिल्कुल कानपुर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में एक पुल का फासला है। और आदमी जो कानपुर कोई भी सामान खरीदने गया तो वहाँ गया, अपने काम से गया, ऑफिस गया, जॉब करने गया, दुकान गया, जो भी गया, तो जो भी हमारे यहाँ कोरोना के आए बाहर से आए, प्रवासी कुछ जगह से ले आए, कुछ कानपुर से ले आए। तो इस समय हमारे यहाँ 13 लोग हैं जो कि जिनका इलाज चल रहा है, और जिस एरिया से वो लोग उठाए गए हैं उस एरिया को पूरा सील कर दिया गया है। करीबन 500 मीटर की एरिया पूरी सील है, वहाँ किसी का आवागमन नहीं है। पहले आपने देखा था कि हमारे यहाँ जो गंगा पुल है नया पुराना दोनों वो भी बंद कर दिए गए थे। आपने क्या कुछ बचाव के कार्य उस क्षेत्र के लिए किए थे? उसमें भाई साहब जो है वही है ना कि पूरा सील करके उसके बाद वहाँ पर पूरे तरीके से सैनिटाइजर कराना, चूने छिड़काव कराना, फॉगिंग कराना, और किसी को घर से ना निकलने के लिए निर्देश देना, आग्रह करना, और घर घर उनके जो है जरूरत की सब चीज़ें हैं, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, फल हो, राशन सामग्री हो, जो भी जरूरत की हो, दवाइयाँ हो, उनको बाकायदा लिस्ट बना करके वहाँ होम डिलीवरी कराई गई है। तो इस तरह से हमारे गोल्डी जी ने प्रयासों से आज जो है नगर में जो है महामारी वैश्विक महामारी से लड़ने के पूरे बचाव के कार्य किए। अब आपको बताते चले हैं कि इस तरह से कार्य को कर कर इन्होंने कोरोना को भगाने का कार्य किया है। उन्नाव से
गोल्डी गाया गुप्ता के साथ नसीर खान, सदर प्रभात टीवी।